नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय में जो TGT, PGT और प्रिंसिपल के लिए जो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं, वो आवेदन फॉर्म हम कैसे ऑनलाइन भरेंगे, इसमें हमें क्या दस्तावेज लगेंगे, संपूर्ण जानकारी हम आपको आगे वीडियो में विस्तारपूर्वक स्टेप बाय स्टेप देंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, नवोदय विद्यालय समिति में जो TGT, PGT और प्रिंसिपल के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं, वो भर्ती फॉर्म हम ऑनलाइन करने के लिए हमें ये वाले पोर्टल पर आना है नवोदय विद्यालय की। तो ये वाले पोर्टल की लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा देंगे, जहाँ से आप डायरेक्ट ये वाले पोर्टल पर आकर अपना आवेदन फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों, ये वाले पोर्टल पर आने के बाद में हमें स्क्रॉल कर नीचे आना है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट लिंक लिखी हुई है, तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव 2022-23 ये जो ऑप्शन दिख रहा है, सिंपल से इस पर आप क्लिक करें। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो कुछ समय लेगा और कुछ इस तरीके से एक एप्लीकेशन फॉर्म खुलकर आएगा, जिसमें जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव 2022-23 ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है, ये एप्लीकेशन फॉर्म में सबसे पहले कैंडिडेट का पूरा नाम देना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। उसके बाद में दोस्तों, यहाँ पर माता का नाम देना है, पिता का नाम देना है, गवर्नमेंट ID यहाँ पर जैसे आप सिलेक्ट पर क्लिक करोगे तो आपके पास आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, पैन कार्ड जो भी है उसको आपको सिलेक्ट करना है, उसके नंबर यहाँ पर टाइप करने हैं। उसके बाद में जेंडर का चयन करना है, मेल फीमेल जो भी है। उसके बाद में मैरिटल स्टेटस, सिंगल या मैरिड, मैरिड या अनमैरिड जो भी है उसको आपको टाइप करना है। उसके बाद में रिलीजन का टाइप करना है, सर्च करना है, हिंदू, इस्लाम, क्रिश्चियन, सिख, जिस भी रिलीजन से यानी कि जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं उस धर्म को आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में कैटेगरी का चयन करना है। तो दोस्तों, कैटेगरी में जनरल, SC, ST, EWS या OBC, NCL यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट लिस्टेड के OBC हो, आपके पास OBC प्रमाण पत्र सेंट्रल गवर्नमेंट लिस्टेड है तो आप OBC को सिलेक्ट करें, अन्यथा आप जनरल को सिलेक्ट करें। तो आप जो भी आपके पास है उसको आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में दोस्तों, यदि आप विकलांग हैं तो विकलांगता को सिलेक्ट करें, अन्यथा इसको नो को सिलेक्ट करें। उसके बाद में हमें यहाँ पर RU रेगुलर NVS एम्प्लॉय, यदि आप नवोदय विद्यालय में एम्प्लॉय है तो इसको सिलेक्ट करें, अन्यथा नो को सिलेक्ट करें। यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, 3 साल का आपको गवर्नमेंट का वर्क अनुभव है तो यस को सिलेक्ट करें, अन्यथा नो को सिलेक्ट करें। उसके बाद में आर यू अर्निंग डोमिशियल द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग 1/1/1980 से 31/12/1989 तक, यदि ये है तो आप यस को सिलेक्ट करें, अन्यथा नो को सिलेक्ट करें। एक्स सर्विस मैन है तो यस को सिलेक्ट करें, अन्यथा नो को सिलेक्ट करें। उसके बाद में आवेदक की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको डालनी है, एड्रेस डालना है, स्टेट का चयन करना है, जिले का चयन करना है, पिन कोड डालनी है। उसके बाद में दोस्तों, मोबाइल नंबर डालना है और कन्फर्म मोबाइल नंबर डालना है। इसी तरीके से email ID और कन्फर्म email ID आपको डालनी है। उसके बाद में दोस्तों, पोस्ट डिटेल में जैसे आप क्लिक करोगे, आपको पोस्ट अप्लाइड फॉर, यदि आपको प्रिंसिपल के लिए अप्लाई करना है तो प्रिंसिपल को सिलेक्ट करें, यदि आप PGT को अप्लाई करना चाहते हैं तो PGT को सिलेक्ट करें, यदि आप TGT को सिलेक्ट चाहते हैं अप्लाई तो TGT को सिलेक्ट करें, और यदि आप तीनों में अप्लाई करना चाहते हैं, तीनों में योग्य है तो तीनों में आप अप्लाई कर सकते हैं, या किसी एक पद के लिए आपको आवेदन करना है तो उसको आपको सिलेक्ट करना है और उसके बाद में उसकी जानकारी फिल करनी है। उसके बाद में दोस्तों, यदि आप म्यूजिक, आर्ट, PET मेल, PET फीमेल, लाइब्रेरियन, इनके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इनमें भी आप आवेदन कर सकते हैं, अन्यथा इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों, क्या आप जो योग्यता मांगी जा रही वो पूरी करते हैं, यस नो, तो आप जो भी है आपको वो सिलेक्ट करना है। यदि आपके पास नहीं है, आप रनिंग में है तो नो को सिलेक्ट करें, और यदि आप योग्यता जो मांगी जा रही है जिस पद के लिए आवेदन करें उस पद की जो योग्यता आपके पास है तो यस को सिलेक्ट करें। उसके बाद में एग्जामिनेशन डिटेल, तो यहाँ पर आपको 3 एग्जाम सेंटर चयन करना है, तो आपके नज़दीकी जो भी परीक्षा केंद्र है उनका आप चयन कर ले, जो भी आपको उचित लगे, जहाँ पर आपको एग्ज़ाम देना उचित रहेगा वो एग्ज़ाम केंद्र आप 3 इस तरीके से चयन कर ले। उसके बाद में दोस्तों, एजुकेशन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल यानी कि आपकी जो शैक्षणिक योग्यता, आप जिस पद के लिए आवेदन कर रहे हो उसमें जो योग्यता मांगी जा रही है उसकी यहाँ पर आपको जानकारी देनी है। तो सबसे पहले 10वीं और 12वीं कंपलसरी है, तो यहाँ पर पासिंग ईयर,
यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट बोर्ड का नाम परसेंटेज यहाँ पर आपको देना है, उसके बाद में आपके पास बीएड डिग्री है यानी कि जिस पद के लिए आवेदन कर रहे हो उसमें जो योग्यता मांगी जा रही है वो योग्यता आप यहाँ पर डालना है आपको, बीएड डिग्री, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, या आप प्रिंसिपल या अन्य पद के लिए आवेदन करोगे तो उसमें जो मांगी जाएगी उसकी जानकारी आपको फिल करनी है, उसके बाद में कैप्चा कोड डालनी है और उसके बाद में दोस्तों हमें सिंपल से सेव पर क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसे हम सारी जानकारी डालकर हम जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमें प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म दिखेगा। जो हमने जानकारी डाली थी वो जानकारी हमें फिर से यहाँ पर शो होगी। ये जानकारी आप अच्छे से रिमार्क करें, अच्छे से वेरीफाई करें कि आपने जो जानकारी डाली वो सही है या गलत। अच्छे से वेरीफाई करने के बाद में दोस्तों हमें स्क्रॉल कर सबसे नीचे आना है। उसके बाद में दोस्तों कुछ इस तरीके से हमें डैशबोर्ड दिखेगा। तो यदि आपने जो जानकारी डाली वो सही है, आपको किसी तरह का संशोधन नहीं करना है तो प्रोसेस टू अपलोड पर क्लिक करें, और संशोधन करना है तो एडिट पर क्लिक करके आपको जो भी संशोधन करना है वो आप अभी कर सकते हैं, बाद में इसमें संशोधन का कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। यदि आपकी सारी जानकारी सही है तो आपको प्रोसेस टू अपलोड फोटो पर सिंपल से क्लिक करना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमें एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आप किसी कागज़ पर नोट कर ले या किसी कॉपी इसकी कॉपी कर आप कहीं सुरक्षित रख ले। उसके बाद में हमें कैंडिडेट का नाम दिखेगा और यहाँ पर दोस्तों हमें फ़ोटो अपलोड करनी है जो कि 10 से 100 केबी के बीच की फाइल होनी चाहिए और इमेज जेपीजी या जेपीईजी में इसको अपलोड करनी है और सिग्नेचर भी 10 से 100 केबी के बीच में आपको स्कैन कर अपलोड करनी है। जैसे फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर लोगे उसके बाद में क्लिक है टू प्रोसीड फॉर पेमेंट, ये वाली लिंक पर हमें सिंपल से क्लिक करना है। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से पेमेंट डिटेल दिखेगी, जिसमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर, कैंडिडेट का नाम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, DOB सारी जानकारी दिखेगी। और यहाँ पर हमें जो है इसकी शुल्क भी दिखेगी कि कितनी शुल्क लग रही है। यदि आप एक पोस्ट के लिए आवेदन करोगे उसकी शुल्क दिखेगी और मल्टीपल पोस्ट के लिए आप आवेदन करोगे यानी कि प्रिंसिपल, PGT और अन्य पदों के लिए आवेदन करोगे तो उसकी शुल्क आपको जो भी है वो आपको पेमेंट भुगतान करने से पहले यहाँ पर शो होगी। उसके बाद में हमें सिंपल से प्रोसेस टू पे पर हमें क्लिक करना है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमें डैशबोर्ड दिखेगा। तो यहाँ पर आपको पे विथ, जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके पास HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अदर बैंक क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, जो भी आपके पास उपलब्ध है उसको आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में यदि आप नेट बैंकिंग का चयन करते हैं तो कौन सी बैंक की नेट बैंकिंग आपके पास है उसको सिलेक्ट करें, प्रोसेस पर हमें सिंपल से क्लिक करना है। उसके बाद में दोस्तों आपका यूज़र आईडी, बैंक का यूज़र आईडी और पासवर्ड डालकर इसका पेमेंट कर लेना है। पेमेंट करने के बाद में जो रिसिप्ट आपको प्राप्त होगी वो अपने पास सुरक्षित संभाल कर रख लेनी है ताकि जब इसकी एग्ज़ाम होगी तो जो एडमिट कार्ड है वो इसी रिसिप्ट के माध्यम से आपको प्राप्त होगी। तो दोस्तों इस तरीके से जवाहर नवोदय विद्यालय समिति में जो TGT, PGT और प्रिंसिपल और अन्य पदों के लिए जो आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं वो आपको इस तरीके से फिल करना है और इस तरीके से पेमेंट करने के बाद में जो रिसिप्ट आपको प्राप्त होगी वो सुरक्षित संभाल कर रखनी है। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना, एवं किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो हमें कमेंट्स करना, हम आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और हमें सपोर्ट करना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।